ए मी मरी मी करेन मी स्वतः ठार करी बाबा मला इरिटेट करू नको कंटिन्यू चुकतोय तू तुझ्या जिभेवरती काहीतरी कर बाबा मी खलास करीन तुला मस्करी नाही करते कंटिन्यू चुकतोय तू अरे डर मत भाई अपन वो क्या इनेस थे क्या इनेस लेतिया क्या थेतिया इनेस लेतिया आई ची कटकट रहे भूल भूल जीवन भाई आपने वो फोरेक्स लिया ही नहीं ना दो ना मुझे फोरेक्स अभी छोड़ के आया मैं तो मुझे फोरेक्स दिया ही नहीं तुमने बच्चा तेरे को बादशाह देगा बादशाह फोरेक्स क्या तुझे जो चाहिए वो बच्चा देगा बच्चा तेरे को बादशाह देगा बादशाह फोरेक्स क्या तेरे को जो चाहिए वो बच्चा देगा अबे नल्ले अबे बूढ़े इंसान अबे तू क्या बोल रहा है तेरे को तेरा समझ रहा है क्या पहले बच्चा मुझे बोल रहा है बाद में खुद को भी बच्चा बोल रहा है अरे तू येड़ा हो गया करण तेरी उम्र नहीं तेरी जीभ की उम्र हो गई मुझे लग रहा है तेरी जीभ है ना तेरे से पहले जन्म ले चुकी है अरे मेरी जीम कम से कम जीम नहीं भाई जीप जीप आईचा कावत ए मला मारा रे ए मी मारी मी करेन मी स्वतः ठार करी बाबा मला इरिटेट करू नको कंटिन्यू चुकतोय तू तुझ्या जिभेवरती काहीतरी कर बाबा मी खलास करीन तुला मस्करी नाही करते कंटिन्यू चुकतोय तू फॉर एरिया चांगला आहे पण पण चरबीचा खूप मोठा घेर त्याच्या अंगाभोवती असल्यामुळे आणि वारंवार जेवणाची वाईट सोय असल्यामुळे कामाचं हे पण आहे कामाचं लोड आहे कामाचं लोडही आहे त्याला वारंवार वाशीला मुंबईला पुण्याला त्याच्या वेळेला मी जा रहा हूं मुंबई मेरे काम आहे घेतोय बाबा हा सोमवार पासून मी जिमला जाणार आहे बाबा येत्या 2 महिन्यात करणू बाईचं जे तंबोरा पोट बोलताय ना तुम्ही जाणार ठीक आहे चल 31 तारीख आहे बच्ची महिन्याचा शेवटचा दिवस 8वा महिना आहे आणि पुढच्या म्हणजे 8, 9, 10, 31, 10, 2021 रोजी तू स्लिम पोटाचा असशील आणि तुला ऍब्स दिसणार 100% तुला ऍब्स दिसले ना करण बाबा मस्करी करत नाही मी तुझ्या तुला एवढं मोठं गिफ्ट देईल ना बाबा तू येडा होशील आणि मला अरे तुला ऍप यायला अजून 2 वर्ष लागतील पूर्ण ते कमी व्हायला तो कोच पण बारीक होईल जोक बादशाह आहे पण करण त्याला ऍप्स म्हणतात ऍप नाही व्हॉट्सअप का व्हॉट्सअप छान कॉमेडी होती चेतन मस्त बोलला श्रीमंत त्याचं बरोबर आहे अरे व्हॉट्सअप बोल व्हॉट्सअप नुसता ऍप नको बोलू तुला ऍप सिवाय टिप्स ते का हाय ना गेम तो रावती साइडला वो आपण खेळू हेच हेच चालू कुठला कुठला गेम टिप्स आता सिवन थीव काय खेळतो आपण सिवन थीव सिवन थीव सिवन इची कटकट सिवन थीव तुम्हाला कसं काय असं कसं काय कोण असू शकतो लाईव्ह मध्ये रे मनात येईल ते बोलतोय रे याला कुठला गेम कुठला जीप घास रे बाबा तुझ्या जिभेवरती 7 किलो तो थर साचलाय असला लंबा जीप झाला तू काही बडबडतोय बाबा काही नाव घेतोय लोक येडी होतील लोकांचे गैरसमज होतील कुठले गेम आणले तू कसल्याही गोष्टीला त्या बोलायला लागलाय बाबा त्या दिवशी कन्फ्युजनला काय बोललाय वेगळंच काहीतरी ए श्रीमान लाव ना सिवन थ्यू सिवन 48 तुला कुरिअर करू का तू घेशील जाऊ शकतो 48 नाही मी तर आता येड्यार का रोड वर लोळत फिरणार आहे काही बोलायला लागले मला काय सिवन सी व्हॅन अरे ही कोणती व्हॅन आहे सी व्हॅन कोणती आहे नवीन ओला आले का अरे सांग ना हे करण का असं बघतोय गाईज नाही नाही ओला ये गाईज नाही ओला ये उसका नाम है सी व्हॅन थ्यूज और वो बहुत कम कम है उसका चार्जेस बहुत कम है आप एका चार्जिंग मध्ये 750 किलोमीटर जाती ती नॉन स्टॉप सी व्हॅन थ्यू यानी तू नाव घेत चला बिल नाही नाव गेस करा बा शिवाल विषय कसा बदल ऐक ना चेतन आता सगळं असं अशी मस्त चाललंय आणि तू आता काय बोलला का सी अँड थू म्हणजे त्यांनी जे चुकलाय त्यात पण तो परत चुकतोय बाबा हा मुद्दा पण करतो असेल मला नरकटरने असा रॅप करून दोन्ही माझी मला एक गोष्ट सांग ह्याला न बघता जर अक्षर माहित नसेल आणि हा बघून परत तेच अक्षर चुकीचं घेत असेल तर हा अभ्यासात कसं काय बघून पास झाला रे किंवा हा पाठ करून काय लिहिलं असत रे तिथे काहीतरी अरे तेव्हा हुशार होता
हे ना त्या डोक्यावर परिणाम झालाय, तो मंद आलाय, वय वाढत चालले ना, तर काही त्याचं त्याची नस कुठली तरी मेंदूमध्ये मेमरी पोहोचवणारी ती नस ब्लॉक झाली आणि कमी सप्लाय चालू, तो काही बडबडत असतो येड्या अर्का बाबा, मला काहीच कळत नाही त्याचं काही चाललं. चरबीचा गोळा पण मजबूत साठलाय, त्या साठ्यामुळे ते नस बंद, ते रक्त जात नाही डोक्यात आणि हा मंद आलाय येडा. अरे गरुडा जी आप रेडियो पे आ जाओ, क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है. तो गरुडा जी रेलवे पे आइए, अपने रेडियो पे आइए. अरे जाट जी बंडिया, तेरा तेरे तेरे जीप को मैं पकड़ के ना ऊपर से रोड रोलर चलाऊं. एक्सटेंडेड पैंट किसके पास है तो दे सकते, सारी मौली उठाऊंगा मैं. अच्छा एक मिनट राका भाई को पूछो ना, करण जी सेम चीज प्लीज मेरे लिए. क्या एक्सटेंडेड पैंट? अरे मैंने आपको क्या बोला था, उसका नाम डेविल रेस है, उसको ये डिवाइस बोलते हैं, एक्सटेंडेड मैग को ये एक्सटेंडेड पैंट बोलते हैं, और ये सच्चाई है राका भाई, ये जानबूझ के नहीं है, ये सच्चाई है. मतलब सोचो आप, ये दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है इनका. मेरे को चाहिए पैंट. मेरा बच्चा ही मेरा है रे, बाकी सब कच्चे, बस मेरी इज्जत उछलने के पीछे पड़े. हार के बाद जीतने वाले को क्या बाजीगर करते हैं ना. यस, हार के जीतने वाले को बाजीगर करते हैं. प्रथमेश भाई इतने जल्दी नहीं हारने का, बाजीगर कहते हैं है वो एक्चुअली पंटेज बोलना. तो हार के जीतने वाले, हार के जीतने वाले को बाजीगर करते नहीं, वो जॉब नहीं है ना करण जी कि वो हार के जीत गया तो उसको उसको मैनेजर कर दिया. माय जीप नॉट टंग. क्वालिटी है श्रीमान, क्वालिटी क्वालिटी. इसको बोला वो, इसके बॉडी लैंग्वेज अच्छी है श्रीमान की. करण उसको जब श्रीमान लेने को आया ना, हाँ, तभी मैं तुझे बोलने वाला था कि बादशाह लग रहा है टी शर्ट पे. हाँ लेकिन वो बॉडी है, इज्जत है. नहीं बात सही, लेकिन वो हो जाएगी श्रीमान अगर तू मन पे लिया. देख तेरे को कितना भी काम रहे, मैं तेरे को लेने को आएगा, तुझे निकलना होगा जब तू इधर आएगा तो. हाँ कंटिन्यू कर, वो बात नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो तू ये खाड़ा मत कर, अपन 100% जाएंगे. ठीक है 100%. लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है वो, प्लीज ब्रो. बॉडी लैंग्वेज अलग चीज है ना, वो बिल्ड है. मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, इसकी बिल्ड है उस तरीके की. बॉडी लैंग्वेज अलग होता है करण जी, समझो बात को. अरे ये मेरा अलग इंग्लिश है, ये बाहर गांव का है, तुमको नहीं समझेगा, बच्चे हो तुम लोग, छोड़ दो मेरे को. चैट में कोई स्पैम हो रहा है, गलत बोला. पर आजकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो गई है, इतना कुछ श्रीमान. अरे डर मत भाई, अपन वो क्या इनेस थे, क्या इनेस लेती है क्या काट दूंगा मैं नल्ले. एनेस्थेसिया बोलते उसको, क्या इनस लेतिया यार, शपथ रे. श्रीमान तुला सरडा दिसले ना जाताना. हाँ दिसलेला, एकदम थर्ड क्लास होता तो साला, त्याला सापटोल मी. जर्मन शेफर्ड ससरा बोलतात त्याला. ससरा नाही सरडा. मला टेंट भेटला आणि काय करू टेंट मध्ये. बट टेंट मध्ये शौचालय बांध आणि ससऱ्याला बोलो. ससरा नाही रे सासरा. अजून गेम चालू पण नाही आले भावांनो, आणि सरड्याला ससरा बोलण्यात आले, नवीनच प्रकार ऐकला मी. हॅलो किधर हो मामाजी. अरे मेरा भांजा किधर रे. मामा आपने फिर पी रखी है. अरे आज होली है, बुरा ना मानो होली है. आपने पिछले साल मुझसे वादा किया था कि मैं अल्कोहल को टच भी नहीं करूंगा, क्या कर रहे हो आप. मैंने अल्कोहल पिया ही नहीं है भांजे, मैंने बस दूध पिया है बाटली भर के. अरे भगवान किस कमीने ने दूध पिलाया आपको, उसमें भांग डाली होगी 100%. हाँ भांग है, पान बनारस वाला करके कोई बंदा था उसने, इतना इतना बड़ा नाम था उसका. ये बंडिया की कॉमेडी अगर दूसरा कोई करेगा ना दोस्तों, लोग हंसेंगे नहीं, लोग गालते देंगे ये क्या बोल रहे. लेकिन ये जो बोलता है ना वो मीनिंग लेस होता है, लेकिन मजा बहुत आता है. हाँ अभी मुझे भांग दूध पिलाया बाटली पर, कहीं के पान बनारस वाले ने. अरे का है मतलब, ऐसा कौन आंटा है मार्केट में रे. आई जगह 101 नमूने अपने ट्विटर पे 5,000 लाइक तो ईजी हो जाएंगे, 10,000 चाहिए दोस्त, औकात ज्यादा है मेरी.
5000 लाइट हो अब ले जाए 5000 अगर लाइक हो जाए लाइट डिप के टाइम पे बंद हुई रे एक सेकेंड दत्रे अपने मुंह से बोलने की दिक्कत करोगे गुस्ता की क्या ये बंडिया ने कैसा पेला है उसे तो वही तो मैं बता रहा हूँ बंडिया मामा देखो छत्री लाते बुक्के में मैं खतरनाक माहिर हूँ लातो लाते बुक्के में मैं नहीं रे लातो बुक्को में मैं खतरनाक भाई ठीक से बोलना तो सीख ले बंडिया जाड़ जीभ अरे तेरी दो जीभ एकत्र करके गुंडाली हुई है क्या अरे कब बोलना सीखोगे रे लाते बुक्के मैं उर्दू आती मुझे कोई टेंशन नहीं ओके बॉटली 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 का एक बैटली मैं बॉटली बोल सॉरी हां बॉटली बैटली ओके सॉरी बैटली नहीं आई गो भाई हमको भी पूछना है जानना चाहती है जाननी बोला हां अबे नेपिया बिना नाक के इंसान अभी जाननी क्या जाननी ये कमी ना अभी इसके पहले कुछ एक शब्द क्या बोला अभी बोला वो ये तोतलिया ये तोतलिया ये खुद भी तोतलिया है और ये बन रहा है ना बादशाह वो भी तोतलिया है लुक्खा बोकरा है वो लुक्खा बोकरा बोकरा मतलब क्या होता है बे हाँ शेरी की दाढ़ी वाले क्या होता है बोकरा क्या श्रीमान मेरे को इतना ही दाढ़ी आता है क्या करूं ये चिंता नहीं बता सकता है थोड़ा मार्कर ले लो ना मार्कर से थोड़ा सा बढ़ाओ ना ये लेकिन चेतन ये सब ले ये जो सेम फैमिली वाले थे इनका दाढ़ी का प्रॉब्लम ही चलता है देखना करण डेविड पत्या सब बकरी वाले लेकिन ठीक है वो अच्छा खासा हेलमेट वगैरह देखो पंड्या मां आप श्रीमान भाई की कॉपी करते हो और किसी की करते हो वो ठीक है लेकिन छोटा छत्री आप पे जस्ता नहीं तो आप कृपया करके ना ही बोले तो बेहतर है एक एक मैं बात बोलो छोटा छत्री छत्री बोलो आई संपत आई संपत आई आई ये क्या मैंने सुन लिया करण तेरे को तो कोई भी बेइज्जत कर रहा है मैं मर रहा हूँ मुझे मरने की इच्छा हो रही है तेरे को तो कोई भी किया उसने तीन बार बाप रे पहले ही बोला हूँ मैं आइसक्रीम खाया हूँ मैं तोत्री बोल सकता हूँ मेरी बात सुनो छत्री मैं तुझे आजू बाजू में भी नहीं रखता मेरे बच्चे ओके और तेरे नाम को मुझे इंटरेस्ट में रखा है करो पहले नाम बोलना सीखो फिर काम की बात करते अरे छोटा छत्री बोलने का कौन सा नाम लुआ ऐसा कौन सा ये थर्ड क्लास नाम लेने को मेरे को मुड़े नहीं लेकिन आपने पहले छत क्यों किया मैं इतना मैं क्या एक के लेके नहीं बोल रहा था नाम अबे तेरी रैम गंज गई है रे करण तेरा वो समाप्त हो रहा है करण गजब बेइज्जती है चार्ली तुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है अरे उसका नाम मतलब वो भी तेरे खिलाफ है हंस रहा है वो तेरे पे तेरा बेटा ही तेरे पे हंस रहा है नल्ले ऐसा बोला ना स्टार्टिंग में बहुत धीमी बेइज्जती की मेरे को बुरा लग रहा है हां मेरे को ना फिर क्या करूं जान दे तू श्रीमान मैं अभी डिप्रेशन में हूं मैं कैसे निकलूं रे बाहर अरे तू उसकी खींच ना कुछ अपना अपने वे का ये ले ना थोड़ा नहीं रे वो डायरेक्ट चुप बैठता है मैं नहीं बोलूंगा कुछ बट वो तो बोल रहा है कंटिन्यू कब से बारिश आने पे ही खुलती है वैसे अरे बट कंटिन्यू बोल रहा है वो कब से क्या बोल रहा है कंटिन्यू छत चल रहा है इसका छत मैं क्या बोल रहा मेरी बात सुन छत्री बेटा बड़ा हो जा रहे बेटा बोलो वो जो पोटले है ना उसको भेज हमसे बात करने के लिए उससे बात करते हैं आप ही तो कहते थे बड़े गाड़ियों की एयरबैग रहती है अब आप ही उसको पोटले बोल रहे हो मैं पोटले बोल रहा हूँ ना तो एयरबैग का क्या संबंध है ठीक है वो बड़ी गाड़ी है उनको अच्छा एयरबैग है आप ही का तो डायलॉग है वो ए पत्तू अनसन नड़ रहा है पॉइंट टू पॉइंट भी बोल रहा है बाबा श्रीमान मैं क्या बोल रहा था बड़े गाड़ी को एयरबैग रहती है बराबर
इसलिए हमें एयरबैग है, इतना भी आपने बोला था। क्या क्या क्या? इसलिए हमें एयरबैग है, ये आपने मैं ही बोला था ना बाबा। अभी क्या बॉन्ड पेपर पे लिख के दू? तो आप अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो पोटलिया का बोल लेके आ। अरे लेकिन वो जीटीए का अपना बाप क्यों बना रहे हो सगा? सगा आना वो पोटलिया को बोलने के बाद ये सगा बेटा उसको क्यों लड़ रहा है? वो अंकल का नाम क्या था रे? इतने ज्यादा नींद में हूं ना, लेकिन मुझे घनिया का आवाज सुनते ही मुझे इज्जत उतरने के लिए आना ही पड़ा काम छोड़ के। बट करण ये टॉपिक जो नया आया है मार्केट में कि आप लोग आप ऐसा मतलब पंच डायलॉग के पंच लेते हो सात आठ कहीं से और वो लिख के लगते हो और बीच बीच में वो पंच मारते हो ताकि आप जो करण कॉमेडी करने लगे हो मतलब एक करण कॉमेडी का जो धब्बा लगा हुआ है आप पे वो हट सके, उसके लिए आप बहुत अंडर दो तीन लोगों को भी रखा है अपने जॉब पे खास पंच लाइन देने पे। मुझे बल्लू को शिकल नहीं तेरा यही वो पार्टी जहाँ पे हटेड ना मालूम रहेगा जो स्कूल में अपन पढ़ते थे देखो हाँ जितने गुरुजी थे सब मेरे पीछे बैठे। आई गो ए चेतन आ गया वो लाइन पे, चल कोई टेंशन नहीं। मतलब आ गया औकात पे? अरे उसने कौन अभी क्या बोला देखा क्या तूने? मैंने उसको बोला तुम स्क्रिप्ट लेते हो तो बोला अरे जितने भी अपने को गुरु थे जो स्कूल में पढ़ाते थे वो सभी मेरे पीछे बैठे हैं अभी। फिर उनका ही गुण ले श्रीमान मेरे में आया, वो भी पका देते मैं भी पका रहा हूँ। कॉमेडी ये पंच था।